Hello friends, today we will discuss about स्टेनाइन स्कोर्स. आज हम स्टेनाइन स्कोर्स या नाव मानक के बारे में बात करेंगे. स्टेनाइन स्कोर्स को हम 9 पॉइंट स्केल कहते हैं. ये 9 पॉइंट स्केल का होता है. इट इज़ यूज टू कन्वर्ट एनी टेस्ट स्कोर टू ए सिंगल डिजिट स्कोर. ये किसी भी टेस्ट स्कोर को सिंगल स्कोर में कन्वर्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है. स्टेनाइन्स आर ऑलवेज पॉजिटिव होल नंबर्स फ्रॉम 1 to 9. जो स्टेनाइन है ये पॉजिटिव होल नंबर्स होते हैं 1 से 9 तक के. स्टेनाइन स्कोर्स असाइन नंबर टू होल ग्रुप. इसमें होल ग्रुप को एक नंबर असाइन किया जाता है. स्टेनाइन्स आर ऑल्सो सिमिलर टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस. You can think of these scores as a bell-shaped curve that has been sliced up into 9 pieces. इसे हम बेल जो घंटे के आकार का कर्व है इस तरह से समझ सकते हैं और इसको 9 भागों में विभाजित किया गया है. These pieces are numbered from 1 to 9 starting at the left-hand section. इसको जो है नंबरिंग की गई है वह लेफ्ट टू राइट की गई है 1 to 9 तक. स्टेनाइन्स हैव ए मीन ऑफ 5 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2. जो स्टेनाइन्स हैं इनकी मीन होती है 5 और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है 1.96 जिसको हम 2 कहते हैं अप्रॉक्सीमेटली. अब 0 से 1 को मर्ज कर दिया गया स्टेनाइन स्कोर्स में और जो 9 और 10 थे उनको भी मर्ज कर दिया है. तो 0 से 10 तक का जो होता था सी स्कोर अब इसमें 1 to 9 हो गया स्टेनाइन स्कोर्स में, क्योंकि यहाँ 0 और 1 को मर्ज कर दिया गया, 9 और 10 को मर्ज कर दिया है. एंड 1% और 3% को मर्ज करके 4% बना दिया गया है. 0 एंड 1 को रैंकिंग बना दिया गया है और 9 और 10 को भी कर दिया गया है 9. और 0 एंड 1 को रैंकिंग बना दी है 1 और 9 और 10 को रैंकिंग बना दी है 9. इसका जो रीज़न ये भी था कि हमको जो 0 मार्क्स दे रहे थे वो डिमोटिवेट करते थे कि बहुत ज़्यादा, इसलिए ऐसा साइकोलॉजी के हिसाब से ठीक नहीं माना गया. फार्मूला जो होता है कैलकुलेट करने का स्टेनाइन स्कोर्स का वो होता है 5 SS = 5 + 1.96Z. 1.96 एग्जैक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन है पर कैलकुलेशन के पर्पस के लिए हम इसे 2 ले लेते हैं. तो फार्मूला हो गया SS = 5 + 2Z. अब स्टेनाइन स्कोर की हम बात करते हैं आगे. इसमें हम स्टैंडर्ड 9 स्केल भी कहते हैं. इसमें हमने जो किसी भी टेस्ट से प्राप्त रॉ स्कोर हैं उन्हें 9 पॉइंट स्केल में परिवर्तित कर देते हैं, यानी हम 9 स्केल्स में हमें उसे डिवाइड कर देते हैं और ये होता है हमारा 9 पॉइंट स्केल जो स्टेनाइन कहलाता है. अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएँ की बात करेंगे. पहली, इस स्कोर को हम 1 से 9 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसलिए इसे 9 पॉइंट स्केल भी कहा जाता है. वी डिवाइड द स्केल इनटू 1 to 9 एंड इनटू 9 इक्वल पार्ट, सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड ए 9 पॉइंट स्केल्स. दूसरा, इस स्केल के द्वारा हम अपने मूल प्राप्तांकों यानी कि रॉ स्कोर्स को एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं. इनमें 1 से 9 पार्ट होते हैं जिसमें डेसिमल नहीं होता है. ये संख्या पूर्णांक में होती है, इसको हम पूर्ण संख्याओं में दर्शाते हैं यानी 1 to 9. थर्ड, तीसरा, ये किसी भी रॉ स्कोर्स को सिंगल डिजिट में चेंज करता है, 1 to 9 सिंगल डिजिट में परिवर्तित करता है. फोर्थ, चौथा, जैसा कि हमने देखा था जेड स्कोर और टी स्कोर में हम एक सिंगल डिजिट को एक सिंगल प्लेस देते थे. हर एक रॉ स्कोर के लिए हमने एक स्टैंडर्ड स्कोर लिया था. इसी तरह हमने देखा था टी स्कोर में 1 to 100 तक का जो रेंज था उसमें भी हम हर रॉ स्कोर को एक इंडिविजुअल स्टैंडर्ड स्कोर दिया हुआ था. इनमें हम क्या करते हैं, हमें एक ग्रुप को लेते हैं और उसको एक नंबर द्वारा व्यक्त कर सकते हैं. इसमें हमें ग्रुप को एक तो अंक देना होगा, एक ही डिजिट के द्वारा एक ग्रुप को मार्क्स को संबोधित करेंगे, एक ग्रुप्स के मार्क को संबोधित करेंगे एक ही डिजिट के द्वारा. पांचवा, फिफ्थ, इसको भी हम एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है. इसे हम बेल शेप कर में विभाजित कर दिखा सकते हैं. बेल शेप कर को 9 इक्वल पार्ट्स में विभाजित करके स्टेनाइन को प्रदर्शित कर सकते हैं. छठा, सिक्स्थ, इसको भी
इसका जो भी स्कोर होगा मैक्सिमम एक्सीलेंट होगा 9 स्कोर और जो मिनिमम स्कोर होगा वो होगा 1। मिनिमम 4% स्कोर है उससे, उसमें हमने एक में रखा है। लेफ़्ट टू राइट तक होता है, मिनिमम टू मैक्सिमम तक 1 to 9। बीच के एवरेज स्कोर को 20% दिया गया है। जैसे हम राइट की तरफ बढ़ते जाएंगे स्कोर भी बढ़ता जाएगा और एक्सीलेंस भी बढ़ता जाएगा, एक्सीलेंस भी ज़्यादा होता जाएगा। इस डायग्राम में हम जेड स्कोर को भी नीचे लिखते हैं। स्टेनाइन का मीन हुआ है 5 और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है 1.96। इसकी वैल्यू हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, डायग्राम से भी निकाल सकते हैं एनपीसी के द्वारा। अब ये जो फॉर्मूला है ये होता है टी इज इक्वल टू 50 + 10 जेड। 50 मीन स्टैंडर्ड डेविएशन 10 होता है 7th पॉइंट। स्टैंडर्डाइज स्कोर का जो फॉर्मूला SS इज इक्वल टू 5 + 1.96 × Z। इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि SS इज इक्वल टू 5 + 2 Z। जैसा कि आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन Z की वैल्यू 2 दी है, तो 5 + 2 × 2 5 + 4 = 9। अब ये हम डायग्राम के द्वारा भी इसको हम देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ जो स्केल स्कोर्स दिए हुए हैं 1 to 9 तक के दिए हैं। स्टेनाइन स्कोर में 9 भागों में विभाजित किया गया है। 0 और 1 को जैसा हमने पहले बताया था मर्ज करके 1 बना दिया गया है, और 9 और 10 को मर्ज करके 9 बना दिया गया है। और जो 0 और 1 की रैंक बना दी है 1 और 9 और 10 की रैंक बना दी है 9। और स्टेनाइन स्कोर्स के लिए आप देखेंगे कि जो वैल्यू दी गई है जो टॉप 4% की है 9, उसके बाद नेक्स्ट टॉप 7% की वैल्यू है 8, उसके बाद नेक्स्ट टॉप 12% की वैल्यू है 7, उसके बाद नेक्स्ट टॉप 17% की वैल्यू है 6, और मिडल जो बीच का है वो है 20%, -0.525 से लेके +0.25 सिग्मा तक। और उसके बाद जो नेक्स्ट बॉटम है वो है 17%, फिर उसके बाद नेक्स्ट बॉटम जो 3 जिसका स्टेनाइन स्कोर है उसका है 12%, नेक्स्ट जो 2 है स्टेनाइन स्कोर उसका नेक्स्ट बॉटम है 7%, और लास्ट में जो मिनिमम है वो है स्टेनाइन स्कोर 1 और बॉटम का 7% है। दिस यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आई थिंक ये आपको जो स्टेनाइन स्कोर का कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला और डायग्राम और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गएंगे। दिस विल बी एन एक्सट्रीमली यूजफुल वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर watching this video and it will clear your concept about Stenine scores. अब जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं Stenine scores दिए गए हैं 1 to 9 स्केल, और सिग्मा वैल्यू दी है और परसेंटेज। जैसे जब मैक्सिमम Stenine स्कोर 9 होगा तो सिग्मा वैल्यू इसकी होगी +1.75 सिग्मा से +3 सिग्मा तक, और टॉप 4% आएंगे। जो टॉप 4% को दिया गया है पूरे ग्रुप को एक वैल्यू 9। नेक्स्ट जो टॉप 7% हैं उनकी वैल्यू है सिग्मा +1.25 सिग्मा से +1.75 सिग्मा, उस ग्रुप को वैल्यू दी गई है 8। नेक्स्ट जो टॉप 12% है +0.75 सिग्मा टू +0.125 सिग्मा, उनकी वैल्यू दी है ग्रुप को 7। जो नेक्स्ट टॉप 17% हैं +0.25 सिग्मा से +0.75 सिग्मा तक, उस ग्रुप को वैल्यू स्टेनाइन स्कोर की दी गई है 6। जो मिडल 20% है उसकी वैल्यू है -0.25 सिग्मा टू +0.25 सिग्मा से स्टेनाइन स्कोर है 5। जो नेक्स्ट बॉटम 17% है -0.75 सिग्मा से -0.25 सिग्मा, उनको स्टेनाइन स्कोर दिया है 4। नेक्स्ट बॉटम 12% है -0.25 सिग्मा से -1.25 सिग्मा से -0.75 सिग्मा, उनको स्टेनाइन स्कोर दिया गया 3। और जो नेक्स्ट बॉटम 7% है -1.75 सिग्मा से -1.25 सिग्मा, उनको स्टेनाइन स्कोर दिया 2। और जो बॉटम के हैं 4% -3 सिग्मा टू -1.75 सिग्मा, उसको स्टेनाइन स्कोर की वैल्यू दी गई है 1। तो ये आपको जो स्टेनाइन स्कोर है इसका कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, डेफिनेशन सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू।